हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम सेल्मा लेगरलोफ के लिखे हुए लेसन द रेट रेप के कैरेक्टर स्केचेज में से एडला का कैरेक्टर स्केच करेंगे। एडला, जैसा अपन जानते हैं कि लेसन में अपनी नज़र में सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर है वो प्रूव होती है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो पैडलर के इर्द गिर्द घूमती है वो एक थीप है, एक बेगार है, उसको चेंज करने वाली जो है वो एडला ही है। अपने गुड नेचर से, अपने गुड बिहेवियर से उसको चेंज कर देती है और अंततः एक अच्छी कैरेक्टर साबित होती है। आओ देखते हैं इसके कैरेक्टर में अपन ने क्या क्या बातें लिखी हैं। इंट्रोडक्शन। एडला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, मैन से मतलब एक ही नहीं है, मैन का मतलब उस स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाने वाले कैरेक्टर। एडला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द रेट ट्रैप। द रेट ट्रैप स्टोरी की मुख्य कैरेक्टर है एडला। सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ हर कैरेक्टर आर गिवन बिलो। उसके कैरेक्टर की कुछ क्वालिटी जो है वो नीचे दी गई है। यंग लेडी, अपन लिखते हैं एज के बारे में, हर कैरेक्टर की एज के बारे में लिखते हैं। आयरन मास्टर का अपन ने लिखा था ओल्ड पर्सन, पेडलर का अपन ने लिखा था ओल्ड पर्सन, यहाँ क्या लिखा है यंग लेडी। एडला इज ए यंग लेडी। एडला एक युवा लेडी है। सी इज डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, वह आयरन मास्टर की बेटी है। एन इंटेलिजेंट लेडी, एक इंटेलिजेंट लेडी है, एक इंटेलिजेंट लड़की है, क्योंकि जब पहली बार देखती है पेडलर को तो समझ जाती है या तो ये कुछ चोरी करके आया है या पुलिस से भाग कर आया है। और अपने फादर की भी वो हर एक बात को मानती है और अपने इंटेलिजेंट होने के दम पे ही वो पेडलर को लास्ट में चेंज भी कर देती है। सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, वह एक इंटेलिजेंट लेडी है। सी चेंजेज द पेडलर, वह पेडलर को चेंजेज कर देती है, या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं सी चेंजेज द बिहेवियर ऑफ द पेडलर, पेडलर को बदल देती है। हेल्पिंग नेचर, जानते हैं अपन उसका नेचर हेल्पिंग है। फादर चाहते हैं कि पेडलर अब घर से चला जाए जब उसको पहचान लेते हैं तब, लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहती है, उसको वहाँ रखना चाहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हेल्पिंग नेचर की लड़की है। सी इज ए लेडी ऑफ हेल्पिंग नेचर, वह एक हेल्पिंग नेचर की लड़की है। सी हेल्प्स द पेडलर, वह पेडलर की हेल्प करती है। नेक्स्ट देखो, काइंड हार्टेड, फादर के बारे में भी लिखा था अपने, आयरन मास्टर के बारे में भी लिखा था, हेल्पिंग नेचर भी लिखा था, काइंड हार्टेड। एडला इज ए काइंड हार्टेड लेडी। एडला जो है वो काइंड हार्टेड लेडी है। सी शोज काइंडनेस, सेम ही उसमें लिखा अपन ने, उस पॉइंट में लिखा था वैसा ही, वह दिखाती है दयालुता। मोडेस्ट लेडी, मोडेस्ट होता है विनम्र, नम्र। सी इज मोडेस्ट एंड हर बिहेवियर इज गुड। सी इज मोडेस्ट, वह विनम्र है, वह नम्र है और उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा प्रूव होता है स्टोरी में। गुड डॉटर, एक अच्छी डॉटर साबित होती है क्योंकि फादर की बात को फॉलो करती है, फादर का अनुसरण करती है। एडला इज ए गुड डॉटर, एडला एक अच्छी बेटी है। सी फॉलोज हर फादर, वह अपनी फादर की बात को मानती है और उनके कहने के अनुसार ही वो उसको पेडलर को लेने आयरन मिल में चली जाती है। आफ्टर ऑल, अंततः एक गुड कैरेक्टर एक अच्छा पात्र है स्टोरी का। आफ्टर ऑल एडला इज ए गुड कैरेक्टर, अंततः एडला जो है वो एक अच्छी कैरेक्टर है। कॉन्क्लूजन, अब देखो इसके कॉन्क्लूजन में अपन क्या लिखेंगे, गुड बैड वाला मिक्सर लिखेंगे। अब आप कहोगे कि सर उसमें बैड क्वालिटीज क्या थी। देखो, एक तो वो अपने फादर का कहना नहीं मानती है, उनका विरोध करती है, अपोज करती है किस समय जब वो उसको घर से निकाल रहे हैं उस समय। दूसरी बात, वो एक गलत व्यक्ति को अपने घर में रखती है, हो सकता है वो कुछ गड़बड़ कर सकता था, कुछ थीवरी वगैरह कर सकता था, ये एक अलग बात है कि उसके नेचर ने उसको चेंज कर दिया। दस ऑन द बेसिस ऑफ अबो डिस्क्रिप्शन, इस प्रकार ऊपर किए गए वर्णन के आधार पे वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एडला इज ए मिक्सर ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज, कि एडला जो है वो मिक्सर है अच्छी और बुरी क्वालिटीज का। सी प्रूव्स, वह साबित होती है द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का बेस्ट कैरेक्टर, इस कहानी का सबसे अच्छा पात्र। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ द क्रॉप्टर। क्रॉप्टर कौन है, जो घर का मालिक है उसका कैरेक्टर स्केच। थैंक यू।